आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आंध्र प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्रालय के साथ साथ कॉमर्स, आईटी और स्किल डेवलपमेंट विभाग संभालने वाले मेकापति गौतम रेड्डी का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि गौतम रेड्डी 50 साल के थे और हाल ही में वो दुबई से लौटे थे। बताया जा रहा है कि राज्य के लिए निवेश लाने के लिए वो दुबई गए थे और वहां 10 दिन रहे थे और उसके बाद रविवार को ही हैदराबाद लौटे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी की हालत में जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हुआ। उनके निधन पर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दुख जाहिर करते हुए लिखा कि वो एक युवा होनहार नेता थे और उन्हें उनके शुरुआती दिनों से वो जानते थे। उनके निधन पर उन्होंने गहरा शोक जाहिर किया है। गौतम रेड्डी पिछले एक हफ्ते से अबुधाबी गए हुए थे, जहां दुबई ऑटो एक्सपो में आंध्र सरकार की ओर से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए वो अबुधाबी रोड शो इवेंट का आयोजन किया गया था। यहां उन्होंने कई बिजनेसमैन और निवेशकों के साथ मुलाकात की थी। उनकी राजनीतिक पारी की अगर बात करें तो रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेर्रौर जिले के आतमुकुरु विधानसभा सीट से विधायक थे और वो पूर्व सांसद मेकापति राजा मोहन रेड्डी के बेटे थे। वो सबसे पहले विधायक 2014 में आतमुकुरु से ही चुने गए थे। 2019 में फिर वो यहां से जीते और वाईएसआर कांग्रेस की पहली सरकार में मंत्री बने। उनके निधन पर कई राजनीतिक दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। गौतम रेड्डी के बारे में आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि 50 वर्षीय गौतम रेड्डी नियमित रूप से व्यायाम किया करते थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। इसके बावजूद उनके अचानक निधन से हर कोई सदमे में है और आज हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।